Infinix Note 11, वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन, जिसमें है 50 मेगापिक्सल का कैमरा और मीडियाटेक हेलियो G88 प्रोसेसर। पता है इसकी प्राइस कितनी है? 11,999। और हाँ, एक रुपया लेना मत भूलना। बॉक्स में है वाओ, दिस इज एक्चुअली हैंडसम स्मार्टफोन। लुक वाइज अच्छा लग रहा है ये फोन। अब फर्स्ट लुक में फोन को इतना बेहतरीन बना दिया है ना कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई 20-25 हज़ार से कम वाला फोन नहीं है भैया। ये है वो चीजें जो बॉक्स के साथ आती है। एक 33 वॉट का चार्जर, एक टाइप सी केबल, एक सिम इजेक्टर पिन, एक फ्री फायर का स्क्रैच कार्ड है जिसका रिडीम कोड मैं स्क्रीन पे कहीं लगा दूंगा, जिससे आप कुछ भी जीत जाएंगे, एक एक्स क्लब का कार्ड है और एक न्यू स्टाइल का बैक कवर, जो कि मुझे नॉर्मली जो TPU बैक कवर आते हैं उससे ज़्यादा अच्छा लगा। इसका डिज़ाइन और इसका लुक उनसे तो काफ़ी बेटर है। इन्फिनिक्स नोट 11 के चार मेन फीचर्स हैं। पहला एमोलेड डिस्प्ले, दूसरा G88 प्रोसेसर, तीसरा 33 वॉट की सुपर चार्जिंग और चौथा 50 मेगापिक्सल का कैमरा। और हम इन चारों को अच्छे से चेक करेंगे और ये देखेंगे कि इस कंपनी के दावे कितने सच्चे और पक्के हैं। तो लेट्स गो। इसकी बॉडी के डिज़ाइन को इम्परफेक्टली परफेक्ट कह सकते हैं क्योंकि इसका बैक प्लास्टिक का ही है, लेकिन ये है एंटी फिंगर निशान वाला, क्योंकि इसके बैक में निशान नहीं आते, विच इज कूल, अच्छी बात है। इसके एजेस भी फ्लैट हैं जिससे ये फ़ोन पकड़ने में एक अच्छा फील देता है। और इसकी थिकनेस जस्ट 7.9 mm है, मतलब ये एक अच्छा फ़ोन है डिज़ाइन वाइज। तो इसके बॉटम में स्पीकर है, चार्जिंग बोर्ड है, माइक है और हेडफोन जैक है। इसके राइट साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर जो पावर बटन के साथ ही है एंड ऊपर वॉल्यूम बटन्स हैं। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे है जिसमें दो सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। डिस्प्ले इस फोन का एक हाइलाइटेड फीचर है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस प्राइस में सिर्फ इन्फिनिक्स ने ही हिम्मत की है एमोलेड डिस्प्ले देने की, अदरवाइज कोई भी कंपनी इस प्राइस में एमोलेड नहीं दे रही है। खैर, इसका साइज है 6.7 इंचेस और बेजल्स भी काफी पतले हैं, लेकिन ड्रॉप नोट से मुझे मजा नहीं आया यार। एक अच्छी बात और है कि इन्फिनिक्स ने अपने XOS को पहले से काफी ज्यादा हद तक इम्प्रूव कर दिया है, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है। अब एमोलेड डिस्प्ले कितना अच्छा होता है उसको चेक करने के लिए हम इसके साथ इसकी सेम प्राइस वाले फोन का कंपेयर करेंगे कि उसका और इसके डिस्प्ले में क्या फर्क है। अभी हमारे सामने दो डिस्प्ले हैं, एक है IPS और एक है AMOLED। तो क्या 3 सेकंड में आप गेस करके बता सकते हो कि कौन सा IPS और कौन सा AMOLED? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिस इज AMOLED डिस्प्ले एंड दिस इज IPS डिस्प्ले। जिसका प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल के, और फ्रंट में है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। लेकिन ये सभी इन्फिनिक्स की तरफ से बताए गए सिर्फ कुछ स्पेक्स हैं जो हमारे लिए इतने मायने नहीं रखते। तो कैमरे की शक्तियों को चेक करने के लिए हम आउटडोर में जाकर इसका टेस्ट करेंगे। तो अभी हम आउटडोर आ चुके हैं इसके कैमरा टेस्ट करने के लिए। तो अभी मैं कैमरे का ऐप ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली कैमरे में वही फीचर्स हैं जो नॉर्मली आते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो की स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि वीडियो किस क्वालिटी की रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी मैं वीडियो की स्टेबिलिटी देख रहा हूँ कि ये किस टाइप से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो में स्टेबिलिटी तो बिल्कुल एवरेज लग रही है, मतलब इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं लगा मुझे। बाकी हाँ, एक नॉर्मल जो आती है वैसे ही है। सेकंड हम चेक करेंगे पोर्ट्रेट इमेजेस कि ये किस क्वालिटी की इमेजेस दे रहा है। तो वैसे ब्लर लेवल काफ़ी हाई था एंड इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रैक नहीं कर पाया। सेकंड लोकेशन पे जाके हम इसका स्लोमो टेस्ट करेंगे। अभी हम इन बलून्स का स्लोमो टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे 120 और 240 FPS। स्टार्ट हो गया ना? इसमें है मीडियाटेक हेलियो G88 प्रोसेसर जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। डे टू डे काम के हिसाब से इसको एक अच्छा प्रोसेसर कंसीडर किया जाता है, लेकिन कितना अच्छा? अच्छा मतलब कितना अच्छा? क्या इसमें गेम चल जाएंगे? ये मेरा सारे काम कर देगा? ये हैंग तो नहीं होगा? तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए प्रोसेसर को एक परीक्षा देना पड़ेगी। तो उसी को चेक करने के लिए इसकी परीक्षा ले ली जाए और गेमिंग के मैदान में इस फोन को उतार दिया जाए। तो अभी गेमिंग स्टार्ट कर दिए एंड इसको हम डिफरेंट सेटिंग्स पर चेक करके देखेंगे कि हाई क्वालिटी में भी ये क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ब्रो कैसी हो रही है गेमिंग इसमें? बढ़िया है, कूल एकदम। कूल है मतलब कूल है, हो गया काम।
गेमिंग में इस फोन ने ठीक ही परफॉर्मेंस दिया है, उसके अलावा डेली यूजेज में, सोशल मीडिया चलाने में, कॉलिंग में, वहां पे भी मुझे तो कोई इशू नहीं आया। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? इससे ज्यादा चाहिए बैटरी, और इस फोन में वो 5000 mAh की है, साथ में है 33 वॉट का सुपर चार्जर। तो अभी हम लगाएंगे फोन को चार्ज पे और देखेंगे कि ये चार्जर 10 मिनट में कितना परसेंट बैटरी चार्ज कर देगा। अभी 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और लेट्स सी कि ये कितना परसेंट चार्ज हुआ है। हमने इसको 23% पे छोड़ा था और अभी ये 37% हो रहा है, मतलब अप्रोक्स इसने 14-15% चार्ज कर दिया है। तो एक ठीक चार्जर है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, बस काम चल जाएगा। अगर मैं आपको ये फ़ोन सजेस्ट करता हूँ तो उसके मेनली दो रीज़न होंगे। वैसे तो इसके कई सारे फीचर्स अच्छे हैं, पहला जो मेन रीज़न होगा इसको सजेस्ट करने का वो होगा इसका डिस्प्ले, कि इस प्राइस में एमोलेड डिस्प्ले मिलना एक बड़ी बात है, क्योंकि कोई दूसरा ब्रांड इस प्राइस में अवेलेबल नहीं करवा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यही अच्छा हुआ। वो सेकंड रीज़न होगा इसका कैमरा, क्योंकि इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा भी अच्छा है, उससे भी मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग इमेजेस मिली है, और बैक साइड में जो प्राइमरी कैमरा है वही ज़्यादा अच्छा है, और बाकी दूसरों से इतनी एक्सपेक्टेशन ना लगाएं तो ही अच्छा है। तो दिस आर रिव्यू, और हाँ, आपको अगर फोन ये खरीदना ही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टे कनेक्टेड एंड पीस आउट।